My name is Ronit Verma and welcome to back on another section of biology. Today in this lecture we will discuss about reproduction. आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में. तो आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत अमेजिंग होने वाला है. आज इस लेक्चर में आप समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के कौन कौन से फीचर्स सेम होते हैं. इन तीनों टॉपिक्स को अपन आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे. तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखें और जुड़े रहे मेरे साथ. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. ठीक है, तो चलिए इसके डेफिनेशन को समझते हैं. सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन की सबसे पहले बात की जाए तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस? बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि रिप्रोडक्शन जो होगा ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा. ठीक है, तो आपको क्या होगा रिप्रोडक्शन, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस. इट मीन्स क्या हो गया, आपके पास एक सिर्फ कहां मिलेगा आपको, लिविंग ऑर्गेनिज्म में. ओके, तो आपको रिप्रोडक्शन कहां पर देखने को मिलेगा, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. ये आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं दिखाई देगा. ओके, इस बात को आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा जब आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस को पढ़ा होगा. तब आपने देखा होगा कि रिप्रोडक्शन जो होता है इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कहां पर मिलेगी, सिर्फ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगी. ओके, सबसे पहली बात तो ये हो चुकी है कि लिविंग आपके पास क्या होता है, ये प्रोसेस होता है. अब बात करेंगे अपन, सेकंड बात करेंगे कि आपके पास रिप्रोडक्शन होता क्या है, किसको अपन रिप्रोडक्शन कहेंगे. ठीक है, इसको भी समझते हैं अपन. तो बेसिकली आपके पास रिप्रोडक्शन क्या होगा, देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसी एबिलिटी जो क्या कर सके, फॉर्म कर सकते हैं न्यू इंडिविजुअल्स को, जो किसके सिमिलर हो, देमसेल्फ इसके बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, इसी को अपन रिप्रोडक्शन कहते हैं. देखिए इसको समझते हो कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस जो कहां पर होगी, आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसमें क्या होगा आपके पास इस प्रोसेस के अंदर होता है ये है कि यहां पर आपके पास उनके पास एबिलिटी होती है फॉर्म करने की न्यू इंडिविजुअल्स को. न्यू इंडिविजुअल्स का मतलब हो गया कि उनके जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म. ठीक है, न्यू इंडिविजुअल को आप क्या कह सकते हो, एक न्यू ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो. ओके, जो बिल्कुल किन की तरह होगा आपके पास, सिमिलर होगा देमसेल्फ, जैसा ये है वैसा का वैसा आपके पास ये होगा. ओके, वैसा का मतलब समझे इस बात को, जैसे कि आपके पास यहां पर क्या है, जैसे कि आपके पास यहां पर ह्यूमन है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपके पास क्या है, ह्यूमन है. तो वहां पर भी आपको कौन देखने को मिलेगा, जो सिमिलर होगा. तो यहां पर जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा ये भी क्या होगा आपके पास, ये भी ह्यूमन होगा. ठीक है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा कि यहां पर आपको डॉग मिलेगा, फिश मिलेगी, एविज मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा. रिप्रोडक्शन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, यहां पर ह्यूमन है तो यहां पर ह्यूमन मिलेगा, यहां पर डॉग है तो यहां पर डॉग मिलेगा, यहां पर आपको अदर कोई ग्रुप है जैसे कि एम्फीबियंस है तो यहां पर आपको एम्फीबियंस देखने को मिलेंगे. इस प्रोसेस को अपन रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को करता है, प्रोड्यूस करता है, इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं. ओके, अब बात करेंगे अपन सम बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में. सम बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इनके बारे में बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या बेसिक फीचर्स होंगे, क्या सभी के अंदर रिप्रोडक्शन का मेथड एक होता है, अगर एक नहीं होता तो कौन कौन से मेथड होंगे, उनके बारे में बात करते हैं. तो चलिए बात करते हैं अपन सम बेसिक फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन करेंगे उनके अंदर बेसिक फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं, उनके बारे में बात करेंगे. तो बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, उनके अंदर बेसिक फीचर्स क्या क्या होंगे, क्या सभी के अंदर सेम फीचर्स होते हैं या फीचर्स डिफरेंट होंगे. ओके, तो सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं कि आपके पास क्या होगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हो सकता है कि उनके मॉड्स, मॉड्स मतलब कि उनके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होगा. ओके, इस चीज को अपन यहां डिस्कस करते हैं. आइए देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन सब ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकता है मॉड्स डिफरेंट हो. मॉड्स का मतलब क्या हो गया कि हो सकता है उनके अंदर आपको एसेक्सुअल देखने को मिले. अपन बात करेंगे ये टाइप होते हैं एक्चुअली रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल और असेक्सुअल. तो हो सकता है उनके अंदर असेक्सुअल देखने को मिले या फिर आपको उनके अंदर सेक्सुअल देखने को मिले. ओके, यानी कि आपके पास असेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है.
बट इन दोनों का मोटिव क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना, ठीक है, या ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। ओके भाई, ऑफस्प्रिंग इसको प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि हो सकता है, मेनी पॉसिबल, कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट डिफरेंट मोड हो फॉर रिप्रोड्यूस, फॉर प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है, या न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कि उनके पास हो सकता है कि तरीके उनके अलग अलग हो, ठीक है, यानी कि उनके रास्ते अलग अलग हो, यानी कि उनके मोड्स अलग अलग हो। किसी के पास सेक्सुअल हो सकता है, किसी के पास असेक्सुअल हो सकता है, बट उनके अंदर क्या है, आपके पास जो मोटिव है, उनका जो मेन मोटिव है वो क्या है, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। यानी कि दोनों का मकसद एक ही है कि उनको नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, बट उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ओके, जैसे कि क्या होता है, किसी बच्चे का क्या है, बनना तो सभी को डॉक्टर होता है जो भी आपके पास बायोलॉजी लेते हैं, बट क्या होता है, अब कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे एक ही इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, सभी अलग अलग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, किसी कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में जाता है, कोई एक्स में, कोई वाई में, सभी में अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बट सबका मोटिव जो है वो क्या है, डॉक्टर बनना। तो सेम चीज यहां पर होती है, इन ऑर्गेनिज्म का मोटिव भी क्या होता है कि वो क्या करें, आपके पास ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करें, बट हो सकता है कुछ सेक्सुअल तरीका अपनाएं, कुछ असेक्सुअल मेथड को अडॉप्ट करें, ठीक है। तो ये हो गया, बट हम बात करेंगे कि तरीके तो अलग अलग है, बट कुछ आपके पास क्या होते हैं, कुछ फंक्शंस इनके अंदर या कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो सभी के अंदर सेम मिलेंगे आपको, इनमें कोई डिफरेंट नहीं होगा, कोई वेरिएशन नहीं होता है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फीचर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर से, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, देखिए अपन बात करेंगे इसमें कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले, तो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स से रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर। देखिए तो आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, सेल डिवीजन सबसे आपको इंपॉर्टेंट चीजें तो देखने को मिलेगी जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा। देखिए यहां पर, अब हो सकता है कि जो सेल डिवीजन है आपके पास वो माइटोसिस भी हो सकता है, और हो सकता है कि दोनों, माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म में आपको सिर्फ माइटोसिस डिवीजन देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमने बात करी थी पिछले वीडियो के अंदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनके अंदर क्या होता है, सिर्फ रिप्रोडक्शन का तरीका होता है वो किसके थ्रू होता है, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। बट कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारी बात करते हैं, जो आपके पास क्या होते हैं, हाई ऑर्गेनिज्म से जो ज्यादा डेवलप ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए आपको माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों आपके पास सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है, तब जाके आप एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो देखिए भाई, माइटोसिस भी हो सकता है और माइटोसिस और मियोसिस, यानी कि सेल डिवीजन आपके पास इट इज नेसेसरी, चाहे से वो सेक्सुअल करे या असेक्सुअल करे, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो जो रिप्रोडक्शन करेगा ना, उसके अंदर ये दोनों होंगे होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में, जिससे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। तो साइटोलॉजिकल बेसिस क्या हो जाएगा आपके पास, सेल डिवीजन होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए साइटोलॉजी के अंदर अपन क्या करते हैं, सेल को और सेल डिवीजन दोनों को अपन स्टडी करते हैं, तो वहीं से आपके पास क्या हो जाएगा, साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। दूसरी बात करेंगे अपन रेप्लिकेशन के बारे में, यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में। ओके, तो जो भी ऑर्गेनिज्म होगा जो रिप्रोडक्शन करेगा उनमें क्या होगा, सेकेंड जो फीचर कॉमन होगा वो फीचर क्या है, कि उनके अंदर आपको रिप्रोडक्शन का मतलब सॉरी उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, उनके अंदर आपको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए देखने को मिलेगा। ओके, क्या देखने को मिलेगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो कहां पर होता है, जो सेल डिवीजन की एस फेज के अंदर होगा। कहां पर होगा भाई, ये आपने पढ़ा होगा ये 11th क्लास के अंदर, ये एस फेज के अंदर कंप्लीट होता है, ठीक है। एस फेज के अंदर आपको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए देखने को मिलता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आपका विस्तार से या पूरी डिटेल के साथ आपके 6th चैप्टर में दे रखा है, ठीक है, वहां पर अपन इसको और स्टडी करेंगे। तो समझ लीजिए एक बार कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होता है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का बेसिकली जो मतलब होता है, डीएनए से किसका फॉर्म होना, डीएनए का फॉर्म होना। ओके, इसी को अपन क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका, मतलब डीएनए की कॉपी बनना। ओके, तो आप क्या समझेंगे इसका मतलब, कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब होता है कि डीएनए से ही डीएनए बन रहा है, यानी कि डीएनए की एक और जेरोक्स या एक और कॉपी बन चुकी है आपके पास, जिसको अपन रेप्लिका भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इट इज अ कॉमन, ठीक है, रिप्रोडक्शन में। दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास यहां पर, कि आपके पास एक और अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहां से। क्वेश्चन क्या होगा कि आपके पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन अपन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को कहते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि आपके पास डीएनए एक मॉलिक्यूल होता है और यहां पर मॉलिक्यूल बेसिस पर अपन क्या कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के बेसिस पर अपन यानी मॉलिक्यूल वाले लेवल पर अपन स्टडी कर रहे हैं, इसलिए अपन क्या कहते हैं इसको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आपको क्या बताना है कि डीएनए होता है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज सॉरी साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, तो आपको क्या बताना है, आपका राइट आंसर क्या जाएगा, सेल डिवीजन। ओके अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे अपन जो इन दोनों के अंदर कॉमन होगी, दोनों के अंदर मतलब जो रिप्रोडक्शन करने वाले हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमन होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज एंड देयर डेवलपमेंट, भाई क्या होगा, जो भी आपके पास अर्लियर स्टेज बनेगी ना रिप्रोडक्शन की, इट मीन्स देखिए इसको समझिए ऐसे, देखिए आपके पास क्या है, सपोज करिए यहां पर आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म ए है, इस ऑर्गेनिज्म ए को क्या करना है, आपको बी प्रोड्यूस करना है, तो बी से पहले क्या होगा, आपके पास कुछ स्टेजेस आती हैं, क्या आती है, कुछ स्टेजेस आएंगी, जैसे कि हमारे अंदर समझो हमारे अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, ओके एम्ब्रियो से पहले फिर आपके जायगोट बनेगा पहले, तो ये जो स्टेजेस हो रही है इनको अपन क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं, क्या कहते हैं इनको अपन, रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं। तो आपके पास फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस ये भी कहां पर होता है, रिप्रोडक्शन करने वाले हर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। अब वो स्ट्रक्चर्स कुछ भी हो सकती है भाई, जायगोट और एम्ब्रियो भी हो सकता है या किसी के अंदर लार्वास भी होते हैं, तो ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या होगा, इनका डेवलपमेंट, ठीक है भाई इनका डेवलपमेंट, तो इनका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कहां देखने को मिलेगा आपको, वो भी रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। तो दो कॉमन चीज हो चुकी है आपके पास, दोनों कॉमन चीज क्या है, देखिए आप कि रिप्रोडक्टिव यूनिट्स या रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ठीक है वो आपको यहां पर फॉर्म होगी रिप्रोडक्शन के अंदर, एंड उनका डेवलपमेंट होगा एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, या मैच्योर ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो भी कॉमन किसमें होगा, रिप्रोडक्शन करने वाले हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि ये वाली स्टेप भी आपको हर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेंगी जो क्या करते हैं आपके पास, रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके तो ये क्या हो गया आपके पास, बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, यानी कि आपके पास हर ऑर्गेनिज्म में आपको ये कॉमन फीचर्स हैं जो देखने को मिलेंगे, ये सभी के अंदर कॉमन होते हैं। ओके अच्छा एक और इंपॉर्टेंट लाइन है आपके पास, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि आपके पास जो रिप्रोडक्शन होता है ना उसको अपन क्या कहते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस, क्यों कहते हैं, बिकॉज यहां पर देखिए रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, इसी वजह से अपन रिप्रोडक्शन को डेवलपमेंट प्रोसेस भी कहते हैं। ओके तो ये क्या थे, सम बेसिक फीचर्स थे किसके, रिप्रोडक्शन के। और आज के वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ लिया, आज के वीडियो के अंदर हमने बात कर ली है रिप्रोडक्शन के बारे में, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन का हमारी लाइफ के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ओके तो उस टॉपिक को अपन लास्ट अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, आज की वीडियो में सिर्फ अपन रिप्रोडक्शन को और उसके बेसिक फीचर्स को जाना, ठीक है, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके समझने के लिए, और यहां से कुछ क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। ओके नीट के अंदर जो मैंने आपको बता दिए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।